नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय नौसेना के झंडे पर अब शिवाजी महाराज की मुद्रा से मिलती जुलती मुद्रा, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया अनावरण। नागपुर में अपव्ययी सामग्री से बनी महामेट्रो की कैंटीन, पुराने स्कूटर, कारों पर नाश्ते के टेबल तो साइकिल पर वॉशिंग बेसिन। और तीसरी रेलवे लाइन के लिए हावड़ा रूट पर 20 ट्रेनें रद्द, अलग अलग जगहों पर फंसे यात्री। अब खबरें विस्तार से। भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। आज हम अपनी आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं, लेकिन नौसेना के झंडे में अभी भी ब्रिटिश शासन की निशानी थी। इसलिए आज भारतीय नौसेना को एक नया झंडा मिला है, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर के आकार का एक नया प्रतीक चिन्ह है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। आज भारतीय नौसेना को छत्रपति शिवाजी महाराज शाही मुहर के आकार में एक नए प्रतीक चिन्ह के साथ एक नया झंडा मिला। इस ध्वज को बनाते समय छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए शाही मुहर से एक नया प्रतीक बनाया गया है। समुद्री सुरक्षा और नौसेना सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी दृष्टि से बनाई थी। उस दौरान एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया गया था। उस गौरवशाली इतिहास का स्मरण और शिव कार्य की सच्ची महिमा स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष में की गई। यह पूरे विश्व, महाराष्ट्र और पूरे देश के शिव भक्तों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने स्वराज्य के युग की शुरुआत की, नौसेना के झंडे पर सप्रभुता का अंतिम निशान उसी महाराज की शाही मुहर के साथ मिटा दिया गया। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा में हर दिन नई समस्याएं देखने को मिल रही है। नया मामला बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का है और इस बार गैर जिम्मेदारी की हद पार कर दी गई है। इस बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न पत्र में उत्तर विकल्प मराठी भाषा में दिए गए थे। गुरुवार को बीएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में नई शिक्षा के गांधीवादी दर्शन और सामुदायिक विकास की पद्धति पर एक पेपर था। इस पेपर में अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्पों में से 3 विकल्प मराठी भाषा में है। कुछ प्रश्नों में केवल एक विकल्प 2 बार दिया जाता है। छात्रों ने तुरंत प्रश्न पत्र को लेकर शिकायत की। इस मामले में वीवी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पेपर रद्द होगा या वही पेपर रहेगा। लेकमेटन विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल साबले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई है। सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावासों से संबंधित शिकायतों की जाँच के लिए समाज कल्याण विभाग ने CBI ED शैली में छापेमारी की। जांच के आदेश से लेकर निरीक्षण प्रतिवेदन सौंपे जाने तक में सख्त गोपनीयता बरती गई। जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि छात्रावास की सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। नागपुर समेत राज्य के हॉस्टलों में भी इसी तरह की जांच चल रही है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए राज्य भर में 441 सरकारी छात्रावास चलाए जा रहे हैं। यहाँ 57,000 छात्र रहते हैं। इसके साथ ही 2,500 अनुदानित छात्रावासों में आधा लाख विद्यार्थी तथा 90 विद्यालयों में 13,500 विद्यार्थी रहते हैं। समाज कल्याण विभाग को शिकायत मिली थी कि लाखों रुपए की कीमत पर सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों ने अवकाश के दिन जिले के छात्रावासों का दौरा कर एक दिन में 55 छात्रावासों की जांच की। इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 26 अगस्त को व्हाट्सएप के जरिए संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए थे। आदेश में पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखते हुए अगले ही दिन 27 अगस्त को छात्रावास में जाकर पूछताछ करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद अधिकारियों को 29 अगस्त को गोपनीय तरीके से रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। हॉस्टल के हाउसकीपर्स ने सवाल उठाया कि शिकायतों की जांच के लिए CBI ED का स्टाइल क्यों अपनाया गया। नागपुर महामेट्रो ने शहर में भंगर वालों से पुरानी अपव्ययी सामग्री एकत्र करके दीक्षा भूमि के पास मेट्रो भवन में एक अनोखी कैंटीन बनाई है। पुराने स्कूटरों और कार से टेबल, जबकि साइकिल से बेसिन बनाया गया है। यहाँ बैठकर खाना खाने का एक अलग ही मजा आता है। मेट्रो में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत है।
उनकी कलात्मकता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने मेट्रो भवन में अपव्ययी सामग्री से कैंटीन स्थापित करने का संकल्प किया है। 1 सितंबर को नागपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में दिव्यांग सहायता योजना और वयोश्री योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति में ये वितरण किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत नागपुर शहर और जिला वरिष्ठ नागरिक और विकलांग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2021 और दिव्यांग सहायता योजना भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम नागपुर नगर निगम नागपुर जिला प्रशासन और एकीकृत निःशक्त जनों का क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं अधिकारिता केंद्र की ओर से पूर्व नागपुर में विकलांग एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन गुरुवार 1 सितंबर 2022 को लकड़गंज के सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, आमदार चंद्रशेखर बावनकुले, आमदार प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपड़े, आमदार विकास कुंभारे द्वारा किया गया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। नागपुर के कलमेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत गंठेरी शिवार में एक हादसा हुआ। पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही महिला की चलती बाइक के पिछले पहिए में साड़ी फंस गई, जिससे वो महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कलमेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत गंठेरी शिवार में एक बाइक हादसे में महिला की मौत हुई। महिला की साड़ी पिछले पहिए में फंसने से महिला की गिरकर मौत हुई। मृत महिला का नाम प्रीति पाचुल शिंदे है। वो अपने पति पाचुल बाबूराव शिंदे के साथ अमरावती नागपुर हाईवे पर मोटरसाइकिल से गाँव जा रही थी। इसी बीच गंठेरी शिवार में उनकी साड़ी की परत दौड़ती बाइक के पीछे पहिए में फंस गई और वो बाइक से सड़क पर गिर गई। उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। तुरंत उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से उसे मेडिकल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान मंगलवार को सुबह करीब 8:52 पर डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कलमेश्वर पुलिस ने आकस्मिक मौत की घोषणा की है और पुलिस उपनिरीक्षक मारेश्वर नागपुरे घटना की आगे की जांच कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत दुर्ग गोंदिया नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसलिए 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच यहां हावड़ा लाइन पर 17% यानी 20 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस वजह से नागपुर से विभिन्न स्थानों पर गए यात्री फंस गए हैं, क्योंकि ट्रेनें रद्द हो गई है।
जबकि निजी ट्रैवल कंपनियों ने इस रूट पर किराया दोगुना कर यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर खंड से प्रतिदिन 117 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें और कई साप्ताहिक ट्रेनें चलती है। इस मार्ग से बिजली संयंत्रों को नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति की जाती है। बिजली उत्पादन को प्रभावित न करने के लिए यहां से कोयला कार्गो ट्रेनों को नियमित रूप से हटाया जा रहा है, लेकिन 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 7 से 11 दैनिक मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें और 18 जोड़ी यानी 36 साप्ताहिक ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इस बीच तब से तीसरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। नागपुर से छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य हिस्सों में गए यात्री वापस की ट्रेनें रद्द होने के कारण फंस गए हैं। दूसरी ओर उनमें से कुछ नागपुर लौटने के लिए निजी यात्रा बसों की जांच करते हैं, लेकिन शिकायतें बढ़ रही है कि छत्तीसगढ़ गोंदिया तिरोट से नागपुर आने के लिए किराया दोगुना करने वाले प्राइवेट ट्रैवल ड्राइवर इन यात्रियों को लूट रहे हैं। लेकिन रेल प्रशासन का दावा है कि यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए बहुत कम ट्रेनों को रद्द किया गया है। उपराजधानी में कोरोना के प्रकोप पर काबू पा लिया गया है, लेकिन स्वाइन फ्लू का बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा नियंत्रण के लिए ठोस उपायों की कमी के कारण वेंटिलेटर पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में विभिन्न अस्पतालों में स्पाइन फ्लू के 17 नए मामले सामने आए हैं। 167 मरीज विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती है, जबकि 20 मरीज वेंटिलेटर पर है। नागपुर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते संकट के चलते नगर निगम के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मेयो एम समेत मेडिकल और निजी अस्पताल के ट्रस्ट स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं। विभाग में अप्रैल से अब तक 430 स्वाइन फ्लू के मरीज दर्ज हो चुके हैं, तो 25 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी मौतें इसी डेढ़ महीने में हुई है, इसलिए इस महीने में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। विभिन्न अस्पतालों में कुल 167 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें 77 नगर पालिका सीमा में, 38 नागपुर ग्रामीण और 50 जिले के बाहर के हैं। कुल 20 प्रभावित लोग वेंटिलेटर पर है। शहर में 8, ग्रामीण इलाकों में 6 और जिले के बाहर 6 लोग हैं। इसी बीच 24 घंटों में कुल 17 मरीज मिले, 11 शहर में और 6 जिले के बाहर। नागपुर के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को एक भी स्वाइन फ्लू का मरीज नहीं मिलने पर प्रशासन ने संतोष जताया है। युवाओं में आजकल हुक्का का क्रेज जबरदस्त बढ़ा है। अकेले नागपुर शहर का बाजार अरबों में चला गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में प्रतिदिन 70 लाख रुपए से अधिक मूल्य का हुक्का बिक रहा है, और एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि इस व्यवसाय का सालाना कारोबार 350 करोड़ रुपए है। इन दिनों युवाओं का उत्सव शराब और हुक्का के बिना पूरा नहीं होता। इसका फायदा उठाकर शहर के पॉश इलाकों में बड़ी संख्या में हुक्का पार्लर खुल गए हैं। कोरोना प्रतिबंध हटाने के बाद कॉलेज की कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो गई है, इससे शहर में पल्ली से पढ़ने के लिए आने वाले युवाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। यह किसी भी बड़े पंथेले का या कैफे में आसानी से बिकता दिखा जा रहा है। इसे आसानी से गुजरात से मुंबई और वहां से नागपुर लाया जाता है। इसके अलावा इन सामानों की बिक्री के लिए दिल्ली भी एक अन्य गंतव्य है। 2 से 2.5 घंटे के नशे के लिए युवक 500 से 600 रुपए भी आसानी से चुकाते नजर आ रहे हैं। इसलिए इसका टर्नओवर 17 से 18 करोड़ रुपए प्रति माह से 350 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। फिल्म अभिनेता व प्रोड्यूसर कमाल खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बोरिवली कोर्ट में कमाल आर खान के ट्वीट मामले पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 2020 में कमाल आर खान ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जिसके खिलाफ मुंबई के बांद्रा और मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। सजीव, मैटर ऐसा था कि इनिशियली जो रिमांड चला था वो कोर्टरूम नंबर 24 केकाने साहब के सामने चला था, बट ड्यू टू सम रीज़न केकाने साहब जी जो है आज अवेलेबल नहीं है और इंचार्ज कोर्ट में मैटर जो है वो लिया नहीं जाता, तो इस रीज़न की वजह से मैटर जो है वो मंडे के लिए शिफ्ट हो चुका है। अब मंडे को क्या सर, सब मंडे को जो हिसाब से एलिगेशंस है तो उसमें ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ प्रूव हो नहीं सकता है, रिकवरी कुछ है नहीं, तो बेल मिलना के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अब मंडे को देखा जाएगा कि कोर्ट इस बारे में क्या व्यू लेती है। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।